गाइस, ये जो डॉग आप देख रहे हो, कितना बुरा हाल इस बच्चे का हो गया है। इंद्री से बच्चा ये हमारे घर आया था, इंद्री बस स्टैंड पर। इस बच्चे को इतनी बुरी हालत में इसके मालिक ने पता नहीं कितने टाइम से डंप कर दिया था, और वहाँ बस स्टैंड पर बच्चा इधर उधर घूमता था तो बड़े डॉग्स ने भी इसके एक कान पर बाइट कर लिया। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब इनको इलाज देने की बारी आती है तो इनके जो मालिक होते हैं वो इलाज नहीं करवाते, वो इनको फेंक देते हैं। तो छोटा सा बच्चा था, इतना मुझे दुख हुआ तो मैंने घर बुलाया इस बच्चे को, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। और वीडियो के एंड में मैंने, गाइस, इसकी जो मेडिसिन है मैंने वो नेम लिखा है। कभी भी आप किसी भी डॉग को अगर इस सिचुएशन में देखते हो, पूरी स्किन के बाल निकल गए हैं, तो आप वो वाली दवाई जाके ऊपर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप वो दवाई बच्चे को दे सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इलाज कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कि आप इनको अपने सिर का बोझ समझ के गलियों में फेंक देते हो। अगर आप थोड़ी सी इनकी मदद कर दोगे तो ये देखो ये बच्चे कितने ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। तो इस बच्चे को ठीक होने में महज एक महीना लगा है। इस बच्चे के कान में कीड़े पड़े हुए थे, आंखें बिल्कुल ख़राब थी, स्किन पे कोई बाल नहीं था। देखो कितना सुंदर हो गया ये डॉग, और ये ब्रीड डॉग है। सोचो जब लोग इन ब्रीड डॉग्स को फेंक सकते हैं तो स्ट्रीट डॉग्स का तो क्या ही हाल करते होंगे। अब ये बच्चा बिल्कुल फिट एंड फाइन है, मेरे घर पर ही रहता है। और कुछ लोग हमें ये भी बोलते हैं कि हम इन डॉग्स की मदद करना चाहते हैं। अगर आप इन बच्चों के लिए खाना भेजना चाहते हो तो आप इस नंबर पर जाकर एड्रेस पर खाना भेज सकते हो। सो, ये हमारा डैशू बेबी है, नाम हमने डैशू रखा हुआ है। और ये बच्चे को अगर कोई अच्छी फैमिली अडॉप्ट करना चाहेगी तो हम अडॉप्शन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन फैमिली अच्छी होनी चाहिए। मतलब मैं फिर कह रही हूँ कि आपकी जो एक कोशिश है ना, वो किसी की ज़िंदगी बना सकती है, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। ये कितने दुख में था बच्चा, अब देखो कितना सुंदर हो गया। अगर आप थोड़े से एफर्ट करोगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा। और ये वो बच्चे की दवाई है, आप किसी भी डॉग के लिए जिसको ऐसी डिसीज़ है ये यूज़ कर सकते हो। और अभी कुछ लोग आप ये भी पूछोगे कि मैम इसकी जीभ ऐसे क्यों है, बाहर क्यों है? क्योंकि ये बच्चा डिस्टेंपर जैसी बीमारी से लड़ के इस ज़िंदगी में आया है। डिस्टेंपर के बाद कुछ डॉग्स का क्या रहता है कि उनका जो मुँह के जबड़े और वो मसूड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और इसलिए इनकी जीभ ऐसे बाहर आती है। तो बच्चे को हम सॉफ्ट खाना देते हैं, बट ये बच्चा बहुत प्यारा है। एंड प्लीज़ मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, एफ़र्ट्स करते रहा करो। एक ही ज़िंदगी मिली है, इसी ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसा करके जाना है जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन पाए।